फ्रेंड्स, मैं हमीना और फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुणे बेस्ड ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, जो पुणे के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उसे कवर करती हूँ और जो रिसोर्ट्स होते हैं उसकी टूर देती हूँ। मैंने अब तक पुणे के और पुणे के आसपास के 100+ रिसोर्ट टूर किए हैं। जिन लोगों को आपने बहुत पसंद किया, मुझे सपोर्ट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का जो वीडियो है वो काफी इम्पोर्टेंट है आपके जो लव वंस है उसके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसे टॉप 5 प्लेसेस ला रही हूँ, इंटरेस्टिंग यूनिक चीजें, जिससे अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन करना होगा या कुछ भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना होगा, कुछ भी स्पेशल थिंग सेलिब्रेशन करना होगा, तो आपको और भी कहीं पर ढूंढने के लिए जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसे जो प्लेसेस लाई हूँ, जिससे आपको जो आपका दिन है वो स्पेशल बनाने में मदद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जहां पर जाके आई हूँ उसके जो फुल वीडियोस है उसके आई बटन ऊपर दे दूंगी, जिससे आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको मदद होगी, और जिस प्लेसेस पे मैं गई नहीं हूँ वहां पर जल्दी जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज, जो फर्स्ट है वो है सेलेब्रिनो कैफे। ये कोई कैफे नहीं है, ये एक सरप्राइज हॉल है जहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशन के सेटअप लगाए होते हैं, जिससे आपको डेकोरेशन प्लस एक प्लेस जो प्राइवेट प्लेस है जिसमें आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना होगा, और वो जो डेकोरेशन होता है इतना ह्यूज होता है, जैसे कि हम लोग कौन से भी बैंक्वेट हॉल्स में जाते हैं वहाँ पर कैसे बड़े बड़े डेकोरेशंस, इतनी सारी चीज़ें जहाँ पर आप सेल्फी खिंचा सकते हो, टेंट होता है, लाइटिंग होती है, वो सब कुछ चीज़ों का वहाँ पर एक सेटअप है। और वहाँ पर अगर आपको कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेशन करना होगा, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना होगा, आपको प्रपोज करना होगा, विथ म्यूजिक, डीजे, वो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। ये इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ पर है ना जो फायर बॉम्ब्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, स्मोक है, और क्या चाहिए आपको ना, बस इसके लिए पे करना है 3,500 रुपीज़। और अगर आपको जो फायर बॉम्ब्स होते हैं, स्मोक, ये सब कुछ जो एंट्री लेनी है उसके लिए अगर आपको चाहिए होगा पैकेज, तो वो जाता है 7,500 रुपीज़ में, जिसमें आपको जो प्लेस है और जो डेकोरेशन है वो इंक्लूड है। सच में ये जो प्लेस में आप जो कुछ भी सेलिब्रेशन करने वाले हो ना, वो मेमोरेबल होने वाला है, आप कभी भी नहीं भूलोगे, इतना अच्छा सेटअप, वाव। और वो भी पुणे के पास में, ये जगह है रावेत में। और मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका कॉन्टेक्ट नंबर और जो डिटेल्स है, एड्रेस, वो सब कुछ देने वाली हूँ, और इस जगह को भी विजिट जरूर कीजिएगा। और सेकंड नंबर पर आता है टेरा रेस्टोरेंट, जो कि वाकड़ में है। एक ऐसी ट्रॉपिकल जगह जहाँ पर जाकर आपको गोवा वाला फीलिंग्स आने वाला है, या पर आप हवाई में हो ऐसे आप समझ सकते हो। इतना खूबसूरत डेकोरेशन वहाँ पर किया गया है, वहाँ पर एक पूल बना हुआ है, पूल के अंदर चार कॉर्नर में एक छोटी सी बोट है जहाँ पर 4 to 6 पीपल रह सकते हैं। उस बोट को डेकोरेशन किया जाता है, या फिर आप समझ लो कुछ भी अगर सेलिब्रेशन होगा तो वो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को इतना खूबसूरतली डेकोरेट करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी होता है, डीजे होता है, डीजे नाइट भी होती है, आपका जो सेलिब्रेशन है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसकी जो कॉस्ट जाती है 2 persons के लिए 2,500 से 3,000 rupees तक की, थोड़ा सा प्राइस हाई है, लेकिन वहाँ के जो वाइब्स है उसे देखकर जो आपको जो एक्सपीरियंस करना है ना, अगर कुछ भी स्पेशल, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। वहाँ का फूड अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, वहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको जो मस्ट ऑफ 5 प्लेसेस है यूनिक, उसमें ये जगह ज़रूर सजेस्ट करूँगी। हमारा नेक्स्ट है वो है स्काई डाइनिंग, जो कि कासरसाई डैम के पास बना हुआ है, हिंजौरी से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यकीन मानिए,
120 फीट ऊपर जाकर जो आप अपना लंच डिनर और जो ब्रंच है वो एंजॉय करते हो बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ, क्योंकि डैम व्यू, माउंटेन व्यू वो सब कुछ देखा जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ का जो स्पेशल टाइमिंग है ना वो है सनसेट का। मैं खुद गई थी, इतना खूबसूरत लगता है, आपके नीचे देखकर तो थोड़ा सा डर लगता ही है, लेकिन जो आपके नीचे से बर्ड्स जाते हैं वो सनसेट का जो माहौल हो जाता है ना, आप अपने पार्टनर के साथ वो बहुत ही एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको 30 मिनट्स ऊपर आपको टाइम दिया जाता है जो सनसेट का है, और उसके साथ साथ आपको 3 स्टार्टर और 1 मॉकटेल यहाँ पर सर्व किया जाता है। और अगर आपको कुछ भी डेकोरेशन करना होगा, अगर आपको वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करना होगा, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करनी होगी, तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हो, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। मैं इसकी जो पूरी डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी ना, तो आप मेरा ब्लॉग देखना, मैं ऊपर आई बटन आपको दे रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, पुणे के मस्त 5 यूनिक थिंग्स है ना, जो कपल्स के लिए या फिर जो कुछ भी सेलिब्रेशन करने के लिए उसमें आता है। सनसेट सिनेमा क्लब, ये एक ऐसी जगह है, आप नॉर्मली तो अपने पार्टनर के साथ मूवीज देखने के लिए जाते ही हो, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप कुछ स्पेशल करना होगा जिससे आपकी जो डेट है वो और भी स्पेशल हो जाए, उसके लिए ओपन एयर सिनेमा है, जहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन के सामने आप बैठकर आराम से मूवी देख सकते हो अपने पार्टनर के साथ। उसके साथ साथ ड्राइव इन सिनेमा भी है, आप स्क्रीन के सामने अपने कार भी लेके जा सकते हो, और यहाँ पर रूफ टॉप जो स्क्रीनिंग है वो भी अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है 400 रुपीज पर पर्सन से, और बहुत ही मजा आता है, क्योंकि ये जो अलग एक्सपीरियंस करना है ना, ये पुणे में आपको 6 टाइप्स के आपको मिलेंगे। साइट के ऊपर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, जो ड्राइव इन है उसके 1200 रुपीज चार्जेस है। अगर आपको टेंट में बैठकर अपने पार्टनर के साथ मूवी एंजॉय करनी हो तो आपको 2500 रुपीज उसके चार्जेस है, और अपने स्पेशल जो लोग है उनके लिए एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर देना होगा तो 2000 रुपीज उसके चार्जेस है। आप सोच सकते हो कुछ कुछ और कौन सी आप नई जो चीजें हैं वो इसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आप मूवी के बहुत ही शौकीन होगे तो 3000 रुपीज प्लस 18% GST एनुअल चार्जेस है, जिसमें आपके साथ जो आपका कपल है वो इसमें इंक्लूड है, और जो ड्राइव इन है उसके साथ आप और 2 एक्स्ट्रा पर्सन को भी लेके जा सकते हो। यहाँ पर फूड के भी बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, मतलब आपको फूड खाना होगा तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये सच में बहुत यूनिक चीज़ है, पुणे में आपको कोरेगांव पार्क में मिल जाएगा। इसके जो पूरे के पूरे डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे दूंगी। नेक्स्ट आता है कासरसाई डैम के पास ही ये बना हुआ है लवर्स पैराडाइज, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये एक थीम पार्क है, यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हो। वहाँ पर लव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ पर रखी गई है, और वहाँ पर आर्टिफिशियल 2 वाटरफॉल्स भी है, सेल्फी पॉइंट्स बहुत सारे बनाए गए हैं, वहाँ पर वॉच टावर भी है, और आपको वहाँ पर कुछ भी अगर एडवेंचर एक्टिविटीज छोटी छोटी अगर कुछ भी करनी होगी तो वो भी आप कर सकते हो। वहाँ पर ऑल टाइम म्यूजिक चला रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। एक बार तो इस प्लेस को विजिट ज़रूर करना चाहिए, और ये पुणे के पास में भी है, और इसके जो चार्जेस है वो है 299, मतलब आप अगर कासरसाई डैम के पास जा रहे होगे तो वहाँ पर बोटिंग भी होती है, बहुत सारी वहाँ पर पैकेजेस है, वहाँ पर जो रिसॉर्ट है जिन्होंने ये थीम पार्क बनाया गया है उनके पैकेज में आपको सभी का सभी, अगर आप पैकेज लेते हो वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो, तो आपको सभी के एक्टिविटीज होगी, लवर्स पैराडाइज की एंट्री होगी, रेस्टोरेंट पर वहीं पर है, एक छोटा सा 1 डे ट्रिप होने वाला है, आप स्टे करोगे तो और भी अच्छा है। इसका मैंने अलग से ब्लॉग बनाया गया है, जिसके जो आई बटन है मैं ऊपर दे रही हूँ, तो आप वो पूरा का पूरा देख लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा है ये भी।
सो गाइज, आपको कैसा लगा ये टॉप 5 यूनिक प्लेसेस फॉर कपल्स? ये बहुत ही खूबसूरत, अच्छे और यूनिक चीजें हैं। सेलिब्रिनो कैफे में आपको जो है बैंक्वेट हॉल्स होता है, जहां पर आप अपने कपल्स के साथ सरप्राइज करना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, कुछ भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो। इतना ह्यूज डेकोरेशन और इतनी लाइटिंग, वाओ, मतलब आपको ना 100% से भी ज्यादा वहां पर सर्व किया जाता है, तो वो भी आप विजिट जरूर कीजिएगा। सेकेंड है हमारा टेरा रेस्टोरेंट, वो भी बहुत ही यूनिक है, कपल्स के लिए बेस्ट है। अगर आपको नाइट के लिए कहाँ पर भी जाना होगा तो वो रेस्टोरेंट अच्छा है। और थर्ड आता है सनसेट सिनेमा क्लब, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ जो मूवी है उसे एंजॉय करोगे। जो आपको रूफटॉप चाहिए, ड्राइविंग चाहिए, ओपन एयर सिनेमा है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप वहाँ पर सरप्राइज भी देख सकते हो पर्सनलाइज्ड मैसेज के साथ। और जो हमारा फोर्थ है वो है स्काई डाइनिंग, 120 फीट ऊपर जाकर आप जो डाइनिंग एक्सपीरियंस लेने वाले हो, और पुणे में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, सच में बहुत यूनिक है वो। और जो फोर्थ है वो है लवर्स पैराडाइज, जहाँ पर थीम पार्क बना हुआ है, आप अपने फैमिली के साथ 2-3 घंटा बहुत अच्छे से वहाँ पर बिता सकते हो। कपल्स के लिए ये जो जगह है वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, ये पांचों चीजें आप अगर जाओगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाती रहूंगी। टाटा।